देखो पिछली वीडियो में हम पढ़ के आए हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या है? थिंकिंग पार्ट। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है? जो नेक से ऊपर वाले अबव नेक जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करता। किसने? मिड ब्रेन ने। अब आते हैं हैंड ब्रेन, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। इसमें तीन डिवीज़न है, एक पॉन्स है, एक सेरेबलम है और एक मेडुला है। जो ये पॉन्स है ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। फंक्शन ऑफ पॉन, इट रेगुलेट रेस्पिरेशन। सेरेबलम हैंड ब्रेन का पार्ट है और ये फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम। ध्यान रखना सेरिब्रम और सेरेबलम में अंतर है। जो सेरेबलम है ठीक है, इसका काम भी क्या होता है? मेन बॉडी मूवमेंट, इन्हें मैनेज करना। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, हमारा किस तरह से बैठना है, उस सबको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सेरेबलम का। इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। हमें कब कहाँ मुड़ना है, कितना बेंड होना है, कैसे खड़े होना है, ये काम भी कौन करेगा? सेरेब्रम। इट कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, प्लेइंग। देखो यहाँ भी बॉडी मूवमेंट आ रहा है, एक्यूरेट मूवमेंट आ रहा है, यहाँ भी बैलेंस एंड पोस्चर आ रहा है बॉडी। तो कुल मिला के हम कहें तो सेरेब्रम का काम क्या होता है? बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ठीक, नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ मेड्यूला। मेड्यूला जो है, जो हमारा हिंड ब्रेन है उसमें सबसे नीचे वाला पार्ट होता है मेड्यूला। ये क्या करता है? ये भी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन ये कहाँ? बिलो नेक। इट कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड वोमिटिंग। यानी कि इसका काम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, इन्हें मैनेज करना। लेकिन जनरली मेडुला में वो रिफ्लेक्स एक्शंस मैनेज होते हैं जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट के होते हैं, जिन्हें मतलब देखो स्पाइनल कॉर्ड नहीं करती, लेकिन ये वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, और इन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस हैं, उन सारे सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस को, जिसमें बॉडी के अदर पार्ट भी यूज होते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ठीक है, और जहाँ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जहाँ हमारे बॉडी के सारे पार्ट मूव नहीं होते, केवल हेड से ऊपर वाला होता है, उसे कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलोइंग। स्वेलोइंग मतलब किसी चीज़ को अंदर की तरफ ले जाना, मुंह के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या बॉडी के नीचे वाला पार्ट भी यूज होता है। कफिंग, जब हम छींकते हैं तो हमारी बॉडी के इतने हाथ वाथ भी जो होते हैं ना, वो स्टिफ हो जाते हैं कई बार। ठीक है, स्नीजिंग, ठीक है, खांसना, छींकना, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, वोमिटिंग, इसमें पूरी बॉडी यूज़ हो रही है। अगर पूरी बॉडी यूज़ हो रही है तो ये क्या होंगे? हैं ब्रेन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कौन से हैं? ये मेडुला से कंट्रोल हो रहा है।